गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको पोस्ट ऑफिस बॉक्स मीटअप रेस के बारे में पढ़ाया और आपको ये बताया कि ये दोनों ही ऑपरेटर्स फिटस्टोन्स ब्रिज प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं और उनके वर्किंग प्रिंसिपल को मैंने एक्सप्लेन किया, डिराइव किया, पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया और दोनों ही ऑपरेटर्स से हम लोग किसी वायर के मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखे। उसके बाद मेरे पास पढ़ाने को भी बहुत कुछ है बच्चों। आज मैं आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ाऊंगा। पोटेंशियोमीटर पे तीन एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं, उनको डिस्क्राइब करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको आज समझना बहुत ज़रूरी है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका बोर्ड और कंपटीशन दोनों में बहुत इम्पोर्टेंस है। उस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, जैसे रियोस्टेट के बारे में बताऊँगा, रियोस्टेट का फंक्शन क्या है, इसको लैब में किस किस तरह से यूज करते हैं, फिर मैं आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों देखिए, फिर आज का एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है। The rheostat is a device used for varying the strength of current in an electrical circuit. It consists of an oxidized nichrome wire whose specific resistance is high and temperature coefficient of resistance is low, wound on a hollow china clay cylinder. बच्चों मैं इसको आपको डायग्राम से समझाता हूँ। इस डायग्राम में आपको रियोस्टेट दिखाया हुआ है। चाइना क्ले का बना हुआ एक सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर पे रेजिस्टेंस वायर इस पे रैप किया जाता है। बच्चों ये जो रेजिस्टेंस वायर होता है ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन भी हो सकता है या फिर ऑक्सीडाइज नाइक्रोम वायर होता है। ऑक्सीडाइज करने का बेनिफिट ये होता है कि इसके सारे टर्न एक दूसरे से इंसुलेट हो जाते हैं। एक्चुअल में जो रियोस्टेट होता है उसमें ईच वाइंडिंग यानी कि ईच टर्न एक दूसरे पे ओवरलैप्ड रहते हैं, तो एक ही करंट दूसरे में इंटर कर सकती है, इसलिए ईच टर्न्स को इंसुलेट करने के लिए इसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, तो एक टर्न की करंट दूसरे में नहीं जाएगी और इसका एवरी टर्न इंडिपेंडेंट बिहेवियर करता है और इसमें सेमी सर्कुलर स्टैंड लगा दिया जाता है और इस नाइक्रोम वायर को इस चाइना क्ले सिलेंडर पर रैप कर दिया जाता है और उसके जो दो एंड्स होंगे इस वायर के, ये एंड ए हुआ और ये एंड बी हुआ, इज इट। उसके बाद इसके ऊपर एक मेटल रॉड होती है, मेटल रॉड पे ये कॉपर की स्ट्रिप होती है, क्लिप टाइप का होता है, इसको इस मेटल रॉड पे स्लाइड किया जा सकता है। ये जो कॉपर की स्ट्रिप है कॉन्टैक्ट बनाने में काम आती है। मेटेलिक रॉड का यहाँ पे एक टर्मिनल बना दिया जाता है जिसको सी बोला गया है और ये जो ऑक्सीडाइज नाइक्रोम वायरस पे रैप किया हुआ है उसके दो टर्मिनल, राइट टर्मिनल को बी बोलते हैं, लेफ्ट टर्मिनल को ए बोलते हैं और सिलेंडर होता है चाइना क्ले। बच्चों किसी सर्किट में करंट का स्ट्रेंथ यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम लोग इस रियोस्टेट को इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं मैं देखो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। एज ए करंट कंट्रोलर, करंट कंट्रोलर के तौर पे जब किसी सर्किट में यूज होता है तो उसका एक शॉर्ट सिंबल होता है, एक रेजिस्टेंस वायर का सिंबल बना के उसको एक इंक्लाइंड एरो से क्रॉस कर देते हैं। इसका फिजिकल मीनिंग होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है,
किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस को वेरिएबल बना दिया जाए तो करंट को चेंज किया जा सकता है, ये शॉर्ट सिंबल है। डिटेल में उसको ऐसे दिखाते हैं, आपका रियोस्टेट है और ये आपका कॉपर स्ट्रिप का कॉन्टैक्ट है और ये मेटल रॉड है जो वहाँ पे ऊपर डीसी दिखाया हुआ है। अरे जो ऑक्सीडाइज नाइक्रोम वायर था उसका ये लेफ्ट एंड ए हुआ, राइट एंड बी हुआ, और ये जो कॉपर स्ट्रिप का क्लिप का जो कॉन्टैक्ट है उसको यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। और ये कॉपर वायर का सर्किट में कनेक्शन बनाया जाता है, इन दो पॉइंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जोड़ दिया जाता है। बच्चों होगा क्या कि जब हम लोग इस क्लिप को यानी कि कॉपर का जो कॉन्टैक्ट है इसको स्लाइड कराएंगे तो एक्स और ए के बीच में जो भी रेजिस्टेंस होगा, देखो एक्स से लेकर बी तक का रेजिस्टेंस हैंगिंग है, इधर सर्किट तो कंप्लीट है नहीं, लेकिन ये कंप्लीट सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ए और एक्स के बीच में जो भी रेजिस्टेंस होगा वो तुम्हारे इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बच्चों इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हो तो जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसको राइटवर्ड ले जाओ, और अगर इसको डिक्रीज करना चाहते हो तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को लेफ्टवर्ड ले जाओ। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करा कर एक्स का लेंथ चेंज करके हम लोग जो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है सर्किट में उसको चेंज कर सकते हैं, और जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो सर्किट में जो करंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसका डायग्राम एक और मेथड से बनाया जाता है बच्चों, ऐसा भी होता है कि जो ऑक्सीडाइज नाइक्रोम वायर है उसके टर्मिनल बी से एक कॉपर वायर का कनेक्शन ले लो, और ये जो मेटालिक रॉड डीसी है उसका जो टर्मिनल सी है उससे एक कॉन्टैक्ट ले लो, इन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्ट कर दो। जब इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को तुम लेफ्ट साइड ले जाओगे बच्चों, इस बार इसका जो सर्किट कंप्लीट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखो कर्सर को, देखो मैं कैसे चला रहा हूँ, ये हैंगिंग है, ये रेजिस्टेंस सर्किट में आएगा नहीं। इस बार एक्स से लेकर बी तक का जो रेजिस्टेंस है वह सर्किट में आएगा, तो अगर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को राइटवर्ड ले जाऊँगा तो एक्स भी डिक्रीज होगा, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को लेफ्टवर्ड ले जाऊँगा तो एक्स भी इंक्रीज होगा, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और इस तरह से सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज करी जा सकती है। फिर बच्चों इस रियोस्टेट को एक दूसरे तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे जब इस्तेमाल होगा तो ये शॉर्ट सिंबल होगा, ये पूरा रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है और ये तुम्हारा कॉपर वायर है, ऐसा पोटेंशियल डिवाइडर का शॉर्ट सिंबल है। डिटेल में समझाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो रियोस्टेट का कंप्लीट वायर होता है यानी दो टर्मिनल्स उसके जो ए और बी होते हैं, ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है कि बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो पूरा का पूरा इस ए बी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए से लेकर बी तक का जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। अब इसको हम लोग कैसे सर्किट में यूज करेंगे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है और वो जो ऊपर मेटालिक रॉड डीसी है उसमें सी से कनेक्शन लेकर आगे बढ़ा देंगे, और ये जो टर्मिनल ए है रियोस्टेट का यहाँ से कॉपर वायर का कनेक्शन लेकर आगे बढ़ा देंगे, इन दो पॉइंट के बीच में किसी सर्किट को कनेक्ट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें होगा क्या कि इसमें ए से लेकर एक्स तक, बहुत ध्यान से देखना, ए से लेकर एक्स तक का जो रियोस्टेट का लेंथ होगा और ए से लेकर एक्स तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में अवेलेबल होगा। बहुत ध्यान से देखो मैं दिखा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में सर्किट जुड़ा हुआ है, सर्किट का सिचुएशन ऐसे आएगी कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से होता हुआ रियोस्टेट वायर्स होता हुआ और हम लोग पॉइंट ए पर चले आएंगे, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा, ध्यान से देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो पॉइंट ए का होगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, ये कॉपर वायर है, और बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो इस पॉइंट का होगा, इसको एक्स माना गया है, यानी कि जो एक्स का पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे मिलेगा
जो ए का पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे मिलेगा। इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उतना ही होगा जो ए और एक्स के बीच में होगा। बच्चों अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना चाहते हो तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को राइटवर्ड ले जाओ। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को राइटवर्ड ले जाओगे तो ए और एक्स के बीच का लेंथ बढ़ेगा, इज इट? और ये जब लेंथ बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसको स्लाइड करा के इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज कर सकती है। अगर तुम पूरा का पूरा बैटरी का ईएमएफ लेना चाहते हो इन दो पॉइंट के बीच में तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करा के बिल्कुल बी तक ले आओ। जब इसको स्लाइड करा के बी तक लाओगे तो पूरा ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दो पॉइंट के बीच में अवेलेबल हो जाएगा और वो इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। गॉट इट? इस तरीके से सर्किट का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है और रियोस्टेट को पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज किया जाता है। बच्चों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है और ये बोर्ड और कंपटीशंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पोटेंशियोमीटर इट इज़ एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल वोल्ट मीटर बिकॉज इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय नल मेथड। अभी मैं इसको समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। बस इतना समझ लो कि पोटेंशियोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट या किसी ईएमएफ सेल का ईएमएफ फाइंड करने में इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपको समझाने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल समझ लो, फिर मैं इसको एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर इसको एक्सप्लेन करूँगा। आप इस प्रिंसिपल क्या है देखो, दिखाता हूँ। बच्चों इसमें एक रेजिस्टेंस वायर होता है बिटवीन ए एंड बी। इसका लेंथ एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर होता है, सॉरी इसका लेंथ जो मेंटेन किया जाता है 100 सेंटीमीटर ये स्ट्रेट होता है, लेकिन इसको ऐसे वाइंडिंग कर करके इसका टोटल लेंथ जो मेंटेन किया जाता है बिटवीन 4 मीटर टू 30 मीटर यूज़ किया जाता है। लेकिन एक जो स्ट्रेट पार्ट होता है, स्ट्रेट पार्ट यहाँ से फिर फोल्ड किया जाएगा, फिर यहाँ फोल्ड किया जाएगा, फिर यहाँ फोल्ड किया जाएगा। फोल्ड कर करके इसको कई मीटर तक ले जाते हैं और बी के बीच का जो डिस्टेंस है। लेकिन एक जो सिंगल स्ट्रेट पार्ट होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। लेकिन टोटल इसका जो लेंथ यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है बिटवीन ए एंड बी, ये 4 मीटर से लेकर 30 मीटर तक एडजस्ट किया जाता है। ये एलॉय का बना होता है कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन। कॉन्स्टेंटन में 2 मेटल होते हैं, कॉपर और टंगस्टन। मैंगनीन में भी 2 मेटल होते हैं, मैंगनीज प्लस टिन। ये आपके एग्जाम में वाइवा में पूछा जाता है। तो बच्चों इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिकल करंट एस्टेब्लिश कराते हैं। उसके लिए सीरीज में 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे कनेक्ट करे जाते हैं बिटवीन ए एंड बी। एक सर्किट कंप्लीट करा देते हैं बिटवीन ए एंड बी। क्या क्या होता है बच्चों, सीरीज में एक रियोस्टेट होता है, एक की होती है और एक स्टोरेज सेल यानी कि बैटरी होता है। ये सेकेंडरी सेल होता है, इसको स्टोरेज सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल इसको रिचार्ज किया जा सकता है। सपोज इसका ईएमएफ E1 है और यह स्टेट में कुछ रेजिस्टेंस मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया और ये और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया, की को स्विच ऑन कर दिया, तो सिंगल लूप की एक सर्किट बन जाती है। सिंगल लूप की सर्किट बन जाती है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जाती है और वो करंट ऐसे इस लूप में क्लॉकवाइज फ्लो करती है, इज इट? क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो करती है। बच्चों जब हम लोग इस सिंगल लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो करंट आई की वैल्यू निकाल सकते हैं और करंट आई की वैल्यू डिराइव करने पर आएगी E1 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इन द लूप। तो रेजिस्टेंस इन द लूप एक रियोस्टेट का RH होगा और इस रेजिस्टेंस वायर का RAB होगा।
इस बैटरी को इस सेल को आइडियल माना जा रहा है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो माना जा रहा है। बच्चों इस लूप में जो करंट आई स्टेब्लिश होगी उसकी वैल्यू आएगी ई वन अपॉन आर एच प्लस आर ए बी। बच्चों आर ए बी तो एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी हुआ, आर एच को अगर मैं फिक्स कर दूँ, ना डिक्रीज करूँ ना इंक्रीज करूँ, तो करंट आई कॉन्स्टेंट मानी जाएगी, क्योंकि ई वन भी कॉन्स्टेंट होता है। मैंने कमेंट दिया है कि आई इज़ अ कॉन्स्टेंट फॉर द गिवेन आर एच, इज इट। फिर एक क्वान्टिटी आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अलॉन्ग द वायर ए बी। ए बी वायर के लॉन्ग एक पोटेंशियल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन ए एंड बी, इज इट, दैट इज के। पोटेंशियल डिफरेंस को वी ए बी सिंबल दिया, वायर के पूरे लेंथ को एल ए बी सिंबल दिया। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के इन पोटेंशियोमीटर वायर। बच्चों हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से, किसी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वाई इंटू आर होता है। तो वी ए बी की जगह पे लिख सकता हूँ आई इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाई एल ए बी। आई को अलग कर लो, आर ए बी अपान एल ए बी को अलग कर लो, तो आर ए बी अपान एल ए बी को लैम्डा बोलते हैं, जिसको लिखते हैं वेयर लैम्डा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी। बच्चों एक फॉर द गिवन वायर ये कांस्टेंट हुआ, क्योंकि आर ए बी भी कांस्टेंट होगा, एल ए बी भी कांस्टेंट होगा, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी ये रेशियो भी कांस्टेंट होगा, उसको सिंबल्स में लैम्डा लिखा हुआ है। तो लैम्डा मेरे क्वेश्चन में या मेरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया, और आई की वैल्यू चेंज करने के लिए आर एच को वेरी कर सकती हो, आर एच को इंक्रीज या डिक्रीज करके आई को कंट्रोल कर सकती हो, और अगर आर एच को फिक्स कर दो बच्चों तो करेंट आई भी कांस्टेंट हो जाएगी। जब करेंट आई कांस्टेंट हो जाएगी तो इस पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट करने के बाद अब इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बच्चों मान लो हम लोग इस सेल का ईएमएफ ई डिटरमाइन करना चाहते हैं, ईएमएफ ई को डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो करना ये होगा, अगर आपने स्टोरेज सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जंक्शन ए से कनेक्ट किया है, तो इस गिवन प्राइमरी सेल का, ये प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी का मतलब इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो करना पड़ेगा, तो ये लैब में या तो लेक्लांसे सेल होता है या डेनियल सेल होता है प्राइमरी सेल। इस प्राइमरी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल भी जंक्शन ए से कनेक्ट करना होगा। अगर आपने स्टोरेज सेल का पॉजिटिव ए से कनेक्ट किया है तो इस प्राइमरी सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट करना होगा, तभी नल पॉइंट मिलेगा। उसके बाद इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगाते हैं, फिर उसके साथ एक जॉक की सीरीज में लगा देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नल पॉइंट अचीव कैसे किया जाएगा। अगर जॉकी को मैं ए के पास कहीं रखता हूँ, ए के करीब में रखता हूँ, तो मान लो गैल्वेनोमीटर का नीडल का डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉक वाइज जाता है, और जब इस जॉकी को मैं बी के पास रखता हूँ, यहाँ पर, यहाँ ना रख के बिल्कुल एक्सट्रीम बी के पास रखता हूँ, तो गैल्वेनोमीटर नीडल का डिफ्लेक्शन क्लॉक वाइज हो जाता है। बच्चों अगर इसके डिफ्लेक्शन में रिवर्सल हुआ है तो आपने सर्किट को प्रॉपरली कनेक्ट किया है, और अगर डिफ्लेक्शन में रिवर्सल नहीं होगा तो या तो आपने सर्किट गलत बनाई है या लूज कनेक्शन है, क्रॉस चेक करो। मैंने माना कि मेरा सर्किट सही से जुड़ा है और डिफ्लेक्शन में रिवर्सल हुआ है, तो इन दो पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलने का चांस है। तो मैं जॉकी को यहाँ से उठा उठा कर धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगा, बढ़ाते 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 जब मैं उसको जेब पर रखता हूँ, सपोज जैसे मैंने जॉकी को पॉइंट जे पे रखा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि जे एक नल पॉइंट है। नल पॉइंट का मतलब जॉकी का एक ऐसा पोजीशन जिसके लिए गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट क्या हो जाएगी? जीरो। किरचॉफ लॉ आप पढ़ चुके हो कि जब करंट जीरो होती है तो जंक्शन टू जंक्शन जीरो होती है, आई मीन जे से लेकर इस बैटरी के रास्ते से पॉइंट ए तक करंट इसमें क्या होगी? जीरो होगी।
जब जे से लेकर ए तक करंट इसमें जीरो होगी तो ऑब्वियसली इसके दोनों तरफ करंट सेम होगी, आई मीन राइट साइड में आई करंट, लेफ्ट साइड में भी आई करंट, और ये राइट साइड की आई करंट ऐसे घूमकर फिर ऐसे ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब करंट आई पहले की तरह इसमें स्टेब्लिश हो जाएगी और सिंगल लूप में सिंगल करंट फ्लो करने लगेगी। तो बच्चों जब भी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में नल पॉइंट अचीव करते हैं तो कहते हैं जे से लेकर ए तक इसमें कोई करंट नहीं होती, तो जो पहले से करंट आई इसमें बह रही थी वो पहले की तरह इसमें बहती रहेगी क्लॉकवाइज, और जब सेम टू सेम करंट इसमें फ्लो करती रहेगी तो इस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी में पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा, कांस्टेंट मेंटेन फिर से हो जाएगा। तो अब करते क्या है बच्चों, ये जो नल पॉइंट जे होता है उसका पॉइंट ए से जो डिस्टेंस होता है उसको मीटर स्केल पर रीड कर लेते हैं। यहाँ पे एक मीटर स्केल यहीं पे टॉप पे लगा होता है, एक मीटर स्केल बॉटम पे लगा होता है, डबल मीटर स्केल होता है, जो इसके नज़दीक है उस मीटर स्केल पर सिधाई लेकर ए और जे के बीच में हम लोग जो लेंथ है उसको मेजर कर लेते हैं। सपोज वो लेंथ मेज़र करने पर एल सेंटीमीटर आता है तो कहते हैं बच्चों कि इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो ए और जे के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। आई मीन ईएमएफ ऑफ दिस सेल लैक्लांसिया डेनियल बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे, दैट इज़ व्हाट आई इन टू आर ए जे, आई इन टू आर ए जे। इसका जो ईएमएफ होगा वो इस पोटेंशियल डिफरेंस से बैलेंस हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में आएगा आई इंटू आर, और आर की वैल्यू होगा आर ए जे, दैट इज रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जे। तो इसका इस तरह से प्रिंसिपल फॉर्मूला बनता है बच्चों। तो उसमें जो डिराइव करने पर एक नया फॉर्मूला आएगा कि बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो फाइनली पोटेंशियल ग्रेडियंट के इंटू लेंथ बिटवीन ए एंड जे के बराबर होता है। इसका ईएमएफ जो आएगा डिराइव करने पर वो इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट के इंटू एल के बराबर आएगा। देखो इन द नल पॉइंट पोजिशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे दैट इज वी विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ई ऑफ द सेल दैट इज ई इक्वल्स केएल। बच्चों ये तो मैंने फार्मूला लिख दिया है, इसी फार्मूले को प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। हम इस फार्मूले को डिराइव करके दिखाऊंगा कि ई इक्वल्स केएल फार्मूला क्यों आता है। यहाँ पे के को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, और एल को बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन नल पॉइंट जे एंड लेफ्ट एंड ए। ये फार्मूला कैसे बनता है मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ प्रूफ। अप्लाइंग के चॉप सेकेंड लॉ इन द लूप ए जे जी ई ए, इस क्लोज लूप में मैं के चॉप सेकेंड लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ। क्लोज लूप दिखा दूँ ए जे जी ई ए, सेकेंड लाइन द लूप ए जे जी ई ए, ए जे जी ई ए। बच्चों इस लूप पे मैं किचॉप सेकेंड लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखो मैं ये कई बार बता चुका हूँ कि किचॉप सेकेंड लॉ अप्लाई करते वक्त आप एंटी क्लॉक वाइज चलो या क्लॉक वाइज चलो उसे सॉल्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरह से चलो, मगर इस बार क्लोज लूप में मैं चलूँगा, ए से चल के ए पे लौटूंगा। कैसे चल रहा हूँ मैं इक्वेशन में दिखा रहा हूँ बच्चों, जो इक्वेशन में मैं चल रहा हूँ क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, मूविंग क्लॉकवाइज। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, जहाँ से चलते हैं उसका पोटेंशियल पहले लिखते हैं वी ए माइनस आई इंटू आर ए जे प्लस ई इक्वल्स वी ए। अब ये मैं वहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, डायग्राम से रिलेट कराता हूँ कैसे होता है।
बच्चों एक मिस्टेक हो गई है। दरअसल जो इक्वेशन बना है वो एंटी क्लॉकवाइज चल के बना है, एंटी क्लॉकवाइज चल के इक्वेशन बना है। ए से चलोगे तो आप वी ए लिखोगे, फिर राइटवर्ड जाओगे तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है, जो पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा वो माइनस आई इंटू आर होता है। तो आप लिखोगे माइनस आई इंटू आर ए जे, आप जे पर आ चुके हो। देखो गैल्वेनोमीटर कॉयल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन आप जानते हो नल पॉइंट है तो करंट जीरो हो चुकी है, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। आगे बढ़ो, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो प्लस ई लिखोगे, प्लस ई नथिंग नथिंग नथिंग, ए पर आकर रुक जाओ, इक्वल टू वी ए। तो बच्चों मैं करेक्शन कर लूँगा, दरअसल मैं इस लूप में एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा हूँ, एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा हूँ। तो बनेगा इक्वेशन वी ए माइनस आई इंटू आर एज ए नथिंग प्लस सी इक्वल्स वी ए। एंटी क्लॉक वाइज मूव करके मैंने इक्वेशन बनाया है। देखो यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज होना चाहिए, कैसे बनाया बच्चों? वी ए माइनस आई इंटू आर एज ए प्लस ई इक्वल्स वी ए। अब वी ए को ट्रांसफ़र किया, कैंसिल आउट हो गया, फिर माइनस आई आर ए जे को राइट साइड में ट्रांसफ़र किया, ई एम एफ की वैल्यू आती है ई एम एफ इक्वल्स आई इंटू आर ए जे। आर ए जे ऊपर निकालना सिखा चुका हूँ, आर ए जे निकालने के लिए लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आई इंटू लैम्डा को एक ब्रैकेट में ग्रुप कर लूँ, इंटू एल कर लूँ। ऊपर डेरिवेशन दे चुका हूँ बच्चों, आई इंटू लैम्डा को के बोलते हैं, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। फाइनली बच्चों ये फार्मूला मिलता है के इंटू एल, आई मीन जो ऊपर आप प्राइमरी सेल लगाए हो लैक्लांसिया डेनियल, उसका जो ईएमएफ आएगा वो के इंटू एल के बराबर होगा। यही प्रिंसिपल फार्मूला होता है, इसको मैं डिराइव करके दिखा दिया। इसमें के को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, और एल होता है बैलेंसिंग लेंथ बिटवीन ए एंड जी, नल पॉइंट का डिस्टेंस टर्मिनल ए से होता है। देखो मैंने इसका डेरिवेशन दो लाइन में आपको सिखा दिया। प्यारे बच्चों इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ इंक्रीज़ करना होगा। बच्चों जब पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ इंक्रीज़ कर दोगे तो डेफिनेटली आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा रिड्यूस हो जाएगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस हो जाएगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? देखो इफ ऑन डिस्प्लेसिंग द जोकी स्लाइटली फ्रॉम द नल पॉइंट पोजिशन द गैल्वेनोमीटर शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन देन द पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। अगर हम लोग जोकी को नल पॉइंट पोजिशन से स्लाइटली लेफ्ट या राइट मूव करा दें और गैल्वेनोमीटर में हमको लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिले तो हम लोग पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव बोलेंगे। इज इट? सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग द वायर, स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेटर विल बी सेंसिटिविटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी रिड्यूस बाय इम्प्लाइंग अ लॉन्ग वायर इन द पोटेंशियोमीटर। बच्चों मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे। इस फॉर्मूले को देखो, अगर एल ए बी लेंथ को इंक्रीज कर दें, इसीलिए बहुत स्कूल लैब में जो अच्छी क्वालिटी का पोटेंशियोमीटर होता है उसमें एल ए बी की वैल्यू 30 मीटर तक रखी जाती है, और जो लोग सस्ता पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं वहाँ पे एल ए बी की वैल्यू 4 मीटर 4 मीटर के बराबर होता है। लेकिन इसको 30 मीटर तक बढ़ा के कर दिया जाए तो वी ए बी तो एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, वी ए बी को अगर कांस्टेंट मान लिया जाए, इसका लेंथ बढ़ा दिया जाए तो रेशियो रिड्यूस हो जाएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। इज इट? पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस हो जाएगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस हो जाने पर पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आपको बताया जा रहा है कि स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेटर विल बी द सेंसिटिविटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी रिड्यूस बाई इम्प्लाइंग अ लॉन्ग वायर इन द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूजेस क्या है बच्चों? यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, वी हैव द फॉलोइंग थ्री यूजेस।
कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ्स ऑफ टू गिवन सेल्स। आपको लैब में दो प्राइमरी सेल दिए जाएंगे, लेक्लांसे और डेनियल। उनके ईएमएफ को कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने का मतलब रेशियो ई1 अपॉन ई2 निकालना होगा। तो इसमें दो स्टेप का एक्सपेरिमेंट है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कैसे होता है। बच्चों, मैं सर्किटल डायग्राम से आपको समझाता हूँ। आपको लैब में एक पोटेंशियोमीटर दिया जाएगा। देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे इसको फोल्ड कर करके 4 मीटर से 30 मीटर तक लेंथ मेंटेन किया जाता है। बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ये कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का रेजिस्टेंस वायर है। ये स्ट्रेट लेंथ इसका 1 मीटर होता है। इस लेंथ को इग्नोर कर दिया जाता है, फिर ये 1 मीटर, फिर ये नेगलेजिबल 1 मीटर, नेगलेजिबल 1 मीटर। फिलहाल इस डायग्राम में 4 मीटर दिखाया हुआ है, मगर इसको 4 मीटर से 30 मीटर तक रखा जाता है। और पिछले डायग्राम की तरह और बी के बीच में सर्किट कंप्लीट करा दिया जाता है। कैसे बच्चों? सीरीज में एक रियोस्टेट और एक की और एक स्टोरेज सेल लगा के इसका सर्किट कंप्लीट करा दिया। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और इस वायर में घूम घूम के ऐसे बहेगी। बहने से इसमें एक पोटेंशियल ग्रेडिएंट के एस्टेब्लिश हो जाएगा। बच्चों, क्या करते हैं कि दो प्राइमरी सेल आपको लैब में मिलेंगे, उनको ऊपर और नीचे ऐसे रखते हैं, अपर साइड और लोअर साइड में टेबल पे रखते हैं, और इस प्रकार रखते हैं कि दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को जंक्शन ए से कनेक्ट करते हैं। बच्चों, अगर आपने स्टोरेज सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट किया है तो नल पॉइंट आपको तभी मिलेगा जब इन दोनों के भी पॉजिटिव टर्मिनल आप ए से कनेक्ट करो। बाय द वे, गलती से आपने इसको उल्टा जोड़ दिया है, नेगेटिव को ए से जोड़ दिया है, फिर इन दोनों का भी नेगेटिव ए से जोड़ना पड़ेगा, तभी नल पॉइंट मिलेगा। तो आपको याद रखना होगा। तो इस फर्स्ट सेल के बगल में एक की K1 सीरीज में लगा दिया, सेकंड सेल के बगल में एक दूसरी की K2 सीरीज में लगा दिया, फिर इनको कॉपर वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, फिर एक कॉमन पॉइंट से यहाँ पे गैलेनोमीटर, सेंटेड गैलेनोमीटर सीरीज में लगा दिया, गैलेनोमीटर से एक जोकी यहाँ पे अटैच कर दिया। अब बच्चों, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में बच्चों क्या करेंगे, इस वाली की को इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने से क्या होगा कि ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, K2 को ओपन रखते हैं और K1 को इंसर्ट कर देते हैं। अगर K2 को खुला रखोगे तो E2 आपके सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। K1 को इंसर्ट कर दोगे तो E1 आपके सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर इस जोकी को उठा के एक बार A के पास टच कराते हैं, तो सपोज एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। फिर B के पास टच कराते हैं, तो सपोज इसमें क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन में रिवर्सल हुआ है तो आपका सर्किटल कनेक्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर डिफ्लेक्शन में रिवर्सल नहीं हुआ तो या तो आपने रॉन्ग कनेक्शन बनाया है या कोई कोई लूज कनेक्शन है, तो उसको रीचेक करो। रीचेक करने के बाद जब रिवर्सल मिलना शुरू हो जाए तो प्रैक्टिकल शुरू करो। मान लो कि डिफ्लेक्शन में रिवर्सल मुझे मिला, तो मैं प्रैक्टिकल कैसे शुरू करूँगा? जोकी को पॉइंट ए से धीरे धीरे आगे बढ़ाता जाऊँगा। मान लो जोकी को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब मैं यहाँ पे ला के टच कराया तो इसका डिफ्लेक्शन मुझे 0 मिल गया। गैलेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब ये नल पॉइंट की पोजीशन हो गई, इज इट? तो इस नल पॉइंट की पोजीशन पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस लेना होगा। तो बच्चों, पॉइंट ए से डिस्टेंस लेने के लिए ये मीटर स्केल जैसे ऊपर लगा है, एक मीटर स्केल लैब में एक नीचे भी लगा होता है। तो ए से लेकर जे तक का लेंथ आपको मेज़र करना होगा। कैसे करना होता है? पहले इस लेंथ को मेज़र कर लिया, मीटर स्केल पे रीड कर लिया, उसको 100 सेंटीमीटर से माइनस कर दिया तो बचा हुआ लेंथ यहाँ पे आ जाएगा। इस लेंथ को 1 मीटर में ऐड करो, फिर 1 मीटर में ऐड करो, फिर 1 मीटर में ऐड करो, तो ए तक का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। देखो, ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर,
एंड दिस मच, यहाँ तक ये सारा लेंथ सम कर दो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जे आपको मिल जाएगा। उसको फार्मूले के मुताबिक बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल L1 का होगी, L1। तो प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो जो L1 लेंथ हुआ वो E1 को बैलेंस करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा E1 इक्वल्स K इंटू L1, E1 इक्वल्स K इंटू L1। देखो मैं इक्वेशन बनाया हूँ यहाँ। स्टेप वन में आपका इक्वेशन बनेगा E1 इक्वल्स K इंटू L1, दिस इज इक्वेशन वन। फिर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग द वायर। अब स्टेप टू में क्या करोगे उसको समझो बच्चों। स्टेप टू में क्या करो, K1 को ओपन रखो, खुला करो, K को क्लोज कर दो और K2 को क्लोज कर दो। जब K1 को ओपन रखोगे तो E1 आपके सर्किट से बाहर हो जाएगा, लेकिन K2 को क्लोज कर दोगे तो E2 आपके सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। फिर इस जॉकी को पॉइंट ए से उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। सपोज जॉकी को मैं पॉइंट ए से आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे कहीं ले आया और जैसे यहाँ पे टच कराया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मुझे जीरो मिल गया। इसका मतलब बच्चों ये नल पॉइंट की पोजीशन होगी। फिर ए से लेकर जे तक का पिछले मेथड की तरह जो डिस्टेंस है वो मेज़र कर लो, और इस बार ये जो बैलेंसिंग लेंथ होगा इस बार इसको L2 सिंबल दे दो। इस बार ये जो L2 सिंबल होगा वो बैलेंसिंग लेंथ होगा और वो E2 को बैलेंस करेगा। तो प्रिंसिपल वाले फार्मूले से इक्वेशन कैसे बनाओगे, E2 इक्वल्स K इंटू L2, E2 इक्वल्स K इंटू L2 एंड L2 इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जे। तो देखो मैं सेकेंड इक्वेशन स्टेप टू में बनाया हूँ, स्टेप टू में सेकेंड इक्वेशन बना E2 इक्वल्स KL2। अब इक्वेशन वन को टू से डिवाइड करो, आएगा E1 अपॉन E2 इक्वल्स L1 अपॉन L2। बच्चों जब डिवाइड करोगे तो K कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये K और ये कैंसिल आउट होगा, E1 अपॉन E2 आता है L1 अपॉन L2। L1 L2 आपने लैब में डिटरमिन कर लिया है, उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे तो दोनों गिवन जो प्राइमरी सेल्स हैं उनका रेशियो आपको मिल जाएगा और ये एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों एक्स एक्सपेरिमेंट मैंने आपको सिखा दिया। पोटेंशियोमीटर का दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंसेस। आपको लैब में दो अननोन रेजिस्टेंस दिए जाएंगे, एक R1 एक R2, उनको कंपेयर करना होगा यानी कि उनका रेशियो आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सर्किटल डायग्राम बता रहा हूँ, फिर इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप करती हो। बच्चों इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ। ये तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, ए और बी वायर, बिटवीन ए एंड बी जो वायर है ये पोटेंशियोमीटर का वायर है। पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टेब्लिश कराने के लिए सीरीज में एक स्टोरेज सेल की K4 और रियोस्टेट RH सीरीज में लगा दिया। सपोज स्टोरेज सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 निकली, I1 बच्चों इस वायर में ऐसे बहते हुए डाउनवर्ड आएगी, रियोस्टेट से होते हुए ऐसे बहनी शुरू कर देगी। आमिन K4 को अगर क्लोज किया है तेबी बार में पोटेंशियल ग्रेडियंट के इस्टेब्लिश हो चुका है, और अगर RH को मैं चेंज ना करूं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को कांस्टेंट माना जाएगा, इसमें I1 करंट बह रही है। अब बच्चों एक सर्किट ऊपर होगा, ये सिंगल लूप का सर्किट है, ध्यान से देखना। R1 R2 ये अननोन रेजिस्टेंस में मिलेंगे, तो इनको अगल बगल सीरीज में लगा दो, सीरीज में एक रियोस्टेट लगा दो, एक की K3 लगा दो और एक प्राइमरी सेल मिलेगा उसको यहाँ पे लगा दो, मगर इस प्रकार से लगाओ कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से होता हुआ फाइनली जंक्शन ए से जुड़ा हो। अगर आपने स्टोरेज सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जंक्शन ए से जोड़ा है तो हर हाल में इस वाले सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे होता हुआ ए से जुड़ना चाहिए, नहीं तो आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। नल पॉइंट नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रह जाओगे, इस बात को ध्यान देना।
अब टू वे की लगाए, R1 को इंट्रोड्यूस करने के लिए और R2 को इंट्रोड्यूस करने के लिए बारी बारी से टू वे की लगाए। देखो एक यहाँ पे लगा है बच्चों, एक्चुअल में की अलग अलग नहीं होती, वहाँ पे एक रोटरी नॉब होता है, उसको घुमा के एक को स्विच ऑफ और एक को स्विच ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये सिंप्लीफाइड डायग्राम इसमें दो अलग अलग की टाइप का दिखाया हुआ है, लेकिन बच्चों वहाँ पे प्रैक्टिकल करोगे तो आपको एक टू वे की मिलेगा, एक टू वे की K1 और एक टू वे की K2। तो हम इसका सेटिंग एडजस्ट करके R1 R2 में से एक बार में कोई एक ही रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करूँगा, एज इट। फिर इस कॉमन पॉइंट से एक शंटेड गैल्वेनोमीटर, फिर सीरीज में एक जॉकी ऐसे लगा देंगे। अब प्रैक्टिकल कैसे करेंगे देखो बता रहा हूँ। सबसे पहले R1 को सर्किट में इंट्रोड्यूस करेंगे और R2 को सर्किट के बाहर करेंगे, मतलब ये सर्किट में R1 R2 दोनों रहेंगे, मगर एक बार में R1 के लिए नल पॉइंट मिलेगा, दूसरी बार में R2 के लिए नल पॉइंट मिलेगा, और ऊपर वाले सर्किट में तो दोनों सीरीज में रहेंगे। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। R1 का लेफ्ट इन इस की से जुड़ा है और R1 का राइट इन इस वाले की से जुड़ा हुआ है। तो मालूम है R1 का पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस कराना चाहता हूँ, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस कराना चाहता हूँ, तो टू वे की को एडजस्ट करके इसको इंसर्ट करा देंगे, इस की को इंसर्ट कर दो, क्लोज कर दो, इस की को इंसर्ट कर दो, क्लोज कर दो। बच्चों R1 मेरे नीचे वाले सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कैसे होगा समझाता हूँ। ये देखो पॉइंट ए, पॉइंट ए से होता हुआ ऐसे चलो, यहाँ पे आ जाओ, R1 से होता हुआ ऐसे चलो, यहाँ पे आ जाओ, नीचे से चलो, यहाँ पे आ जाओ, और ऐसे घूमते हुए ऊपर चले आओ। तुमने देखा नीचे वाले सर्किट में R1 कनेक्ट हो गया। फिर से देखो R1 कनेक्ट कैसे हुआ, देखो ए से चलो, ये शॉर्ट सर्किट है इसके रास्ते से चलो, फिर R1 घूम जाओ, K2 से चलो, राइट, गैल्वेनोमीटर, जोकी, और इस वायर से घूम के पॉइंट ए पर चले आओ। तो आपने देखा कि मैंने नीचे वाले सर्किट में R1 को कनेक्ट कर दिया, इन नीचे वाले सर्किट से R2 इस बार डिसकनेक्ट है, कैसे है देखो। यहाँ पे इस की को ओपन रखा गया है, खुला रखा गया है, ओपन है तो ये वायर हैंगिंग हो गया, इसमें करंट इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगी। फिर R2 का जो राइट एंड है इस की को भी खुला रखा गया है, बच्चों इसको खुला रखोगे तो ये हैंगिंग वायर, इसमें करंट बहेगी नहीं, तो ना तो इसमें करंट बहेगी ना तो इसमें करंट बहेगी। हम लोग कहेंगे कि जो R2 है वो नीचे वाले सर्किट से डिसकनेक्ट है, लेकिन R1 नीचे वाले सर्किट से कनेक्ट हुआ है। फिलहाल ऊपर वाले सर्किट की बात करो, ये से जो सिंगल लूप बना है इसमें तो R1 R2 सीरीज में मारे जाएंगे। अब देखो क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल कैसे शुरू करता हूँ। K4 को इंसर्ट कर दो, K3 को इंसर्ट कर दो, K1 में इस वाले की को इंसर्ट करो, K2 में इस वाले की को इंसर्ट करो। तो मैं समझा चुका हूँ R1 नीचे वाले सर्किट में आ जाएगा और R2 नीचे वाले सर्किट में नहीं आएगा। आप क्या करो, जॉकी को पहले उठा के ए के पास रखो, डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बी के पास रखो, डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज मतलब आपका कनेक्शन बिल्कुल सही है। अब जॉकी को ए से उठा उठा कर आगे ले जाओ, और सपोज जॉकी को जैसे मैं इस पॉइंट पे लाता हूँ नल पॉइंट मिलता है, मतलब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। अगर जॉकी को मैं यहाँ पे रखता हूँ और डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इधर करंट जीरो हो चुकी है, जे से लेकर यहाँ तक करंट जीरो, और यहाँ से लेकर K2 के रास्ते से यहाँ तक करंट जीरो। ध्यान से देखो, जीरो 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 जीरो, इज इट। और बच्चों जब इधर करंट इसमें जीरो है
तो इसके दोनों तरफ सेम करंट होगी, इसमें आई करंट है, इसमें भी आई करंट होगी, तो R2 से होता हुआ आई करंट इस लूप में ऐसे बहेगी। जब आई करंट इस लूप में बहेगी तो इस जंक्शन के इधर भी आई करंट होगी और इस जंक्शन के इधर भी आई करंट होगी, क्योंकि इसमें जीरो हो चुकी है। जब दोनों तरफ आई करंट होगी तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ से हर हाल में इसमें करंट जीरो होगी, यहाँ करंट जीरो होगी, यहाँ करंट जीरो होगी। इसका मतलब ये जो आई वन करेंट है पहले की तरह बहनी शुरू हो जाएगी, आई वन करेंट पहले की तरह बहनी शुरू हो जाएगी। तो कहा यह जाएगा कि ए से लेकर जे तक का जो लेंथ है उसने किसको बैलेंस किया, जिन दो पॉइंट के बीच में ए और जे जुड़े हैं उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस किया। ए से लेकर जे तक का जो बैलेंसिंग लेंथ है L1, इसको L1 बोला जाएगा, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसको बैलेंस करेगा, उन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करेगा जिन दो पॉइंट के बीच में ए और जे जुड़े हैं। मैं दिखाता हूँ ये किसके साथ जुड़ा है, यहाँ से चलो ऐसे होते हुए यहाँ तक आ जाओ, आई मीन इसमें करंट जीरो हो चुकी है, तो ये सारे पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे होंगे, आई मीन इसका जितना पोटेंशियल होगा वही इसका भी पोटेंशियल होगा। अब जरा मैं जे के बारे में समझाऊँ, ये किसके साथ जुड़ा है, ऐसे चलो नथिंग, करंट जीरो हो चुकी है तो यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा, आगे बढ़ो नीचे से घूम जाओ, करंट जीरो है, नो ड्रॉप, नो ड्रॉप, यहाँ तक आ जाओ, नो ड्रॉप, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो पॉइंट जे का होगा। इसका मतलब ए से लेकर जे तक का जो लेंथ L1 होगा वो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करेगा। बच्चों इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ओम्स लॉ से आएगा I × R1, I × R1, इक्वेशन क्या बनेगा, I × R1 = K × L1, K × L1। देखो मैंने ऊपर इक्वेशन बनाया है, I × R1 = K × L1। अब यहाँ पर एक स्टेप और होगा, सेकेंड स्टेप कैसे होगा जरा वो समझ लो। अब तुम क्या करो एक्सपेरिमेंट में, इसको ओपन करो और इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो और इसको ओपन करो। बच्चों जब इसको क्लोज करते हो और इसको क्लोज करते हो, इसको ओपन रखते हो, इसको ओपन रखते हो, तो इस बार नीचे वाले सर्किट से R1 नहीं जुड़ेगा मगर नीचे वाले सर्किट से R2 जुड़ जाएगा। जब R2 जुड़ जाएगा तो फिर से नल पॉइंट फाइंड करो और इस तरह से जोकी को ऐसे उठा उठा के ऐसे इस पर टहलाओ, माना कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे नल पॉइंट मिल गया, तो इसे लेकर जे तक का जो बैलेंसिंग लेंथ L2 होगा इस बार, L2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस बार R2 के सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बैलेंस करेगा। तो बच्चों ओम्स लॉ से R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो हो जाएगा I × R2, I × R2, I × R2 = K × L2, K × L2। सेकेंड इक्वेशन आपने बना लिया, देखो स्टेप टू में आपने सेकेंड इक्वेशन बना लिया, नल पॉइंट की जो पोजीशन है उसको मेजर कर लो, I × R2 = K × L2, सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन वन को टू से डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करोगे तो आई कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में R1/R2 मिलेगा, राइट साइड में L1/L2 मिलेगा। L1 और L2 की वैल्यू पुट कर डालोगे तो R1 और R2 का रेशियो आ जाएगा। कहते हैं कि इन दोनों में से अगर एक रेजिस्टेंस पहले से पता है तो दूसरे की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, तो लैब में कभी कभी इन दोनों में से कोई एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे की वैल्यू सॉल्व कर ली जाती है, तो ये पोटेंशियोमीटर का सेकेंड एप्लीकेशन हुआ है। पर बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगा, अभी मेरे पास पढ़ाने को बहुत कुछ है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको तीसरा एक्सपेरिमेंट कराऊँगा,
बोर्ड और कॉम्पिटिशंस के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। लैब में आपको बच्चों लेक्लांस या डेनियल में से कोई एक प्राइमरी सेल मिलेगा, तो पोटेंशियोमीटर से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको डिटर्मिन करना होगा। तो पोटेंशियोमीटर में आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी मैं आपको अगले एपिसोड में बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ। मेरे पास पढ़ाने को अभी बहुत कुछ है, आप देखते जाओगे, डेरिवेशन सिखाते जाऊँगा, आप इंजॉय करोगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर, ये टॉपिक होगा। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो नेक्स्ट एपिसोड में शुरू करने जा रहा हूँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स यूजेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक बच्चों कॉम्पिटिशन्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप बहुत प्यार से सिखाऊंगा, सीखने की कोशिश करना। मैं बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम बना बना कर सिखाता हूँ, ये सारे डायग्राम मैंने खुद से क्रिएट करे हैं, ये आपको आपके आसपास जो बुक्स है उसमें कहीं नहीं मिलेगा। बहुत टाइम लगता है, सभी डायग्राम मैं खुद से बनाता हूँ। सो प्यारे बच्चों, मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो कुछ भी मैंने सिखाया वो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में ना समझ में आया तो आप वीडियो को रीप्ले करके दूसरी बार में समझने की कोशिश करो। और मैं अपनी बुक का राइटअप अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, करेंट इलेक्ट्रिसिटीज़ का राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी इसका राइटअप कम्प्लीट हो जाएगा, तो ये बुक मैं पब्लिश करूँगा, फिर आप इसको डाउनलोड कर लेना या एक कॉपी ऑर्डर कर लेना। मेरे बुक नोट्स का काम करेगी और मेरा वीडियो आपके लिए लेक्चर का काम करेगा। सो प्यारे बच्चों, इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।